प्लीज मुझे बताएं इफ आई एम विजिबल ऑडिबल सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द सेशन. हेलो टू एवरीवन, आई एम ग्लैड कि सब लोग सुबह के सेशन में आए हो. सो इन दिस वीडियो, अभी जैसे कि इन यस्टरडेज क्लास आई टोल्ड यू कि वी डोंट हैव टाइम, हमारे पास टाइम है नहीं. सो हम लोग अभी इतना ज़्यादा रेफरेंस नहीं यूज़ कर सकते, वी विल यूज़ लिमिटेड रेफरेंसेस. सो ऑल दोज थिंग्स आई एम गोइंग टू टेल यू इन दिस वीडियो. सो आप लोग मुझे बताओ इफ़ आई एम विजिबल एंड ऑडिबल. सो हेलो टू एवरी वन, ईति, शालिनी, आदिल, मीनाक्षी, पंकज, चीना, निकिता, मेनिका, हेलो. आई होप सबको अपडेट मिल गई थी. आई हैड सेंड दी अपडेट एवरीवेयर ऑन ऑल द प्लेटफॉर्म्स. आई होप आप लोगों को मिल गई थी ये अपडेट. सो आप लोगों ने नोटिस की होगी दैट आई कीप ऑन शेयरिंग अ लॉट ऑफ रीडिंग मटीरियल्स वाले वीडियोस. मैंने इससे पहले भी काफ़ी सारे रीडिंग मटीरियल्स वाले वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर की है, बट राइट नाउ द फोकस इज गोइंग टू बी डिफरेंट. ओके, बिकॉज हमारे पास कितना टाइम है, वी हैव जस्ट 3 मंथ्स. हमारे पास सिर्फ 3 मंथ्स है और हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है टू रीड अ लॉट ऑफ मटेरियल्स. सो अभी हमें फोकस जो है हमारा उसे नैरो करना पड़ेगा. जो हमारे पास रेडीमेड चीज़ें हैं उन्हीं से हम लोग पढ़ेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू रेफर टू अ लॉट ऑफ मटेरियल्स. अभी हमारे पास टाइम नहीं है. अनदर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल कि जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, द वन हु आर डूइंग सेल्फ स्टडी, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू ऑल. जो लोग सेल्फ स्टडी पे डिपेंडेंट है, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू हेल्प यू ऑल. बिकॉज काफ़ी सारे लोग जैसे कि है दे आर नॉट फॉलोइंग मी या फिर फॉर मेनी रीजन्स दे आर नॉट ऑन अनअकैडमी प्लस. बट दो स्टूडेंट्स जो आप लोग ऑलरेडी हो अनअकैडमी प्लस में, आई एम कवरिंग ईच एंड एवरी थिंग फॉर यू ऑल. सो अगर आप लोग चाहे भी यू कैन जस्ट स्किप एवरी थिंग एंड नॉट फॉलो एनी अदर एक्स्ट्रा मटीरियल्स जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ. येस, हेलो टू एवरी वन. नम्रता, पुरान, नवाब, मोहम्मद, प्रियंका सिंह, हेलो टू एवरी वन. ओके, सो दिस इज़ अ रिमाइंडर अगेन, जिन लोगों ने मुझे अभी तक अनअकैडमी प्लस में फॉलो नहीं किया है, प्लीज़ फॉलो मी फॉर 3 मंथ्स. 3 मंथ्स के लिए फॉलो करेंगे तो जो भी पुराने हम लोगों ने सेशंस की थी वो भी आपको मिलेंगी, एंड द वंस विच आर अपकमिंग वी विल बी डूइंग दोज एज वेल. सो प्लीज़ फॉलो मी फॉर दैट सो दैट यू गेट ऑल द मटीरियल्स एट हैंड. सो लेट अस स्टार्ट विथ टुडेज क्लास. आज का सेशन जैसे आप लोगों को दिख ही रहा है इज ऑन करेक्ट रीडिंग मटेरियल्स. कि हमारा एग्जाम सिर्फ 3 महीने है तो सिर्फ करेक्ट द वंस विच आर एग्जैक्टली गिवन टू यू, जो रेडीमेड है वही हम लोग फॉलो करने वाले हैं. ओके, ऑल राइट. हेलो इशिका, वेलकम टू दिस सेशन. तो जो हमारे रीडिंग मटेरियल्स हैं वो क्या है, वो सारे चीज़ें मैं डिस्कस करने वाली हूँ, एंड दीज आर फॉर सोशियोलॉजी. यहाँ पर मैं सोशियोलॉजी NTA नेट के लिए बता रही हूँ. सो आई डोंट नो प्रॉबेबली कि दूसरे सब्जेक्ट्स के लिए या फिर पेपर 1 के लिए क्या सही होगा. सो आई एम ओनली गोइंग टू रेफर टू पेपर 2, दैट इज सोशियोलॉजी में इम्पॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें आप लोग फॉलो कर सकते हो. नाउ दिस इज़ द फुल कोर्स शेड्यूल ऑफ अनअकैडमी प्लस, जहाँ पर मैं सिलेबस आपको पढ़ा रही हूँ. दिस कवर्स द फुल सिलेबस. ओके, ये मैं पूरा सिलेबस इस पर कवर कर रही हूँ. ये रहा कैप्सूल कोर्स जो बेसिक सोशियोलॉजी से मैंने शुरू किया था कि इमर्जेंस कैसे हुआ सोशियोलॉजी का, विच आर द मेन थिंकर्स, पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, ये सारी चीज़ें मैंने इस पर पढ़ाई है. उसके अलावा इन दो कोर्सेज पे आई हैव टॉट 5 यूनिट्स और इस पे 5 यूनिट्स, ऐसे करके 10 यूनिट्स मैंने इन दोनों में कवर की है. एंड दीज आर कमिंग लाइव इन द मंथ ऑफ अप्रैल. इस पे मैं PYQs करवाऊंगी टॉपिक वाइज, कि डरखाइम के अंडर जितने सारे हैं सारे इसमें आ जाएंगे. ओके, डरखाइम के अंडर जितने सारे क्वेश्चंस हैं सारे इसमें आने वाले हैं. एंड दिस इज़ फॉर करंट GK. जैसे हमें पता है कि GK से काफ़ी क्वेश्चंस आती है, सेंसस से काफ़ी क्वेश्चंस आती हैं. सो दीज थिंग्स विल बी कवर्ड इन दैट. ओके, सो ऑल दोज पीपल हु प्रॉबेबली रियली वॉन्ट टू सिंसियरली क्रैक दिस एग्जाम, के आप लोग सिंसियरली मेरे नोट्स जो भी मैं पढ़ाती हूँ उन्हें यूज़ करके इस एग्जाम को क्रैक करें, यू कैन गो फॉर 3 मंथ्स नाउ. 3 मंथ्स का लेंगे तो एग्जैक्टली एग्जाम तक रहेगा. ओके, अदरवाइज आप लोग अगर फ्यूचर के एग्जाम्स के लिए अप्रोच कर रहे हो देन यू कैन टेक फॉर 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स. और ये जो 24 मंथ्स और 12 मंथ्स का ये है, इसका जो प्राइस है ये काफ़ी कम हो चुका है. सो यू शुड बी टेकिंग एडवांटेज. And do not forget to use my code, that is AntaraLIVE.
जिससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगी. नाउ लेट अस स्टार्ट विद टुडेज वीडियो, जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि करेक्ट रीडिंग मटेरियल्स कौन से होंगे. ओके, सो देर आर 3 months लेफ्ट फॉर एग्जाम. सो इस वीडियो में आपको क्या क्या हेल्पफुल चीज़ें मिलेगी. सो फर्स्ट थिंग जो आपको याद रखना है कि हमारे पास एक किताब नहीं है. देर इज नो वन बुक इन द मार्केट जिसमें आपको सब मिलने वाला है. ऑल्दो काफ़ी सारे गाइड बुक्स निकले हैं, जैसे कि अरिहंत ट्रूमैन, और मैंने उसके रिव्यू वीडियोज भी आप लोगों को दी है. अरिहंत ट्रूमैन में प्रॉब्लम ये हुआ है कि दे हैव ट्राइड टू कवर एवरीथिंग, पूरा कोर्स ख़त्म करने की एक कोशिश तो की है, पर उसमें सारे चीज़ें नहीं हैं. ओके, प्रॉब्लम ये है कि सब टॉपिक्स के अंडर जो चीज़ें दी हुई है दोज आर नॉट रेलिवेंट. पर फिर भी अगर आप लोग चाहे तो गाइड बुक के हिसाब से आप लोग ट्रूमैन को खरीद सकते हैं. ओके, एटलीस्ट बेसिक आइडिया के लिए एक अच्छा होगा. ओके, इससे एटलीस्ट आपका बेसिक जो सोशियोलॉजी का आइडिया है वो क्लियर हो सकता है. तो जो रीसेंट वाला है उसका नाम है NTA, और ये किताब अवेलेबल है अमेजोन में या फिर दूसरे साइट्स में भी आप लोग देख सकते हो, बट राइट नाउ अमेजोन में है. बट आई एम टेलिंग यू पीपल कि इन किताबों में फुल सिलेबस में जो भी चीज़ें दिए हैं आर नॉट वेरी रेलिवेंट, इट्स नॉट कवर्ड वेरी वेल. बट अगर आप लोग चाहे एज एन एक्स्ट्रा मटीरियल आप लोग ले सकते हो. ओके, सो हम लोग करें क्या अगर हमारे पास एक स्पेसिफिक किताब नहीं है, हम लोग करेंगे क्या. वी विल एक्सेस मैनी मटीरियल्स बट ओनली द लिमिटेड मटीरियल्स. हमारे पास बहुत सारे मटीरियल्स हैं लेकिन सिर्फ उनमें से लिमिटेड हम लोग चुनेंगे और वहाँ से हम लोग पढ़ने वाले हैं. दीज मटीरियल्स आर इन इंग्लिश. जैसे आप लोगों को पता है दैट आई टीच इन इंग्लिश, सो आई डोंट नो मच अबाउट हिंदी मटीरियल्स. मुझे हिंदी मटेरियल्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं है. सो वी विल ओनली फोकस ऑन द इंग्लिश मटेरियल्स एंड सी कि ऐसे क्या क्या इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो हम लोग फॉलो कर सकते हैं, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड. इतना भी कॉम्प्लिकेटेड इंग्लिश में नहीं होता है. सो बुक्स में ये कुछ हमारे मेन बुक्स हैं जो मैं रेफ़र करती हूँ. मैंने पहले भी रेफ़र की है मेरे स्टूडेंट्स को, और ये सारे ऑनलाइन अवेलेबल है. आपको पैसे नहीं खर्च करने हैं, दीज आर फ्री, ऑनलाइन मिलते हैं. मैंने बहुत बार दी है आप लोगों को. ओके, मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ शेयर की हैं ये बुक्स मेरे टेलीग्राम पे. उसमें क्या क्या है, नंबर वन जो किताब है वो है नितिन सांगवान एसेंशियल सोशियोलॉजी, जॉर्ज रिट्जर सोशियोलॉजिकल थियोरी 10th edition, बीके नागला, बीके नागला इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट, इग्नू के सारे MA सोशियोलॉजी, कुमार राका का सोशियोलॉजी, ट्रूमैन्स सोशियोलॉजी लेटेस्ट. इनमें से सिर्फ कुमार राका अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन, बट दैट इज़ नॉट एन इशू बिकॉज उसके जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ. सो यू कैन नॉट, इवन इफ यू स्किप दैट पार्ट इट इज़ ओके, बिकॉज इसके सारे मटीरियल्स इंटरनेट में काफ़ी हद तक मिल जाती है. सो यहाँ पर मैंने सारे जो इंपॉर्टेंट किताबों में इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं उसके मैंने पूरे लिस्ट बनाए हैं. सो इस वीडियो को अगर आप लोग अच्छे से देखोगे आपको पूरा ये लिस्ट आपके पास एक हैंडी मिल जाएगा. देखते हैं क्या क्या है कि यूनिट वन में पहली बात तो है थिंकर्स, और मैंने आपको ये बताया है कि थिंकर्स में क्या क्या कवर करना है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू वॉट आर द थिंग्स यू हैव टू कवर, इंट्रोडक्शन, थियरी, बुक्स. ये तीन चीज आपको थिंकर्स के बारे में पढ़ना है, चाहे 26 थिंकर्स हो और एक्स्ट्रा थिंकर्स हो, इन सबके बारे में आपको इंट्रो, थियरी और बुक्स आपको फॉलो करने हैं. इनमें से एक चीज आप लोग जानना कि सिर्फ थिंकर्स को जानने से नहीं होगा, आप लोग थोड़ा एक्स्ट्रा भी आप लोगों को पढ़ना होगा. ओके, सो वन थिंग यू पीपल हैव टू रिमेंबर, अगर आपने सिलेबस देखा है तो वहाँ पर हेडिंग्स होती हैं, जैसे कि सोशियोलॉजिकल थियरी, क्लासिकल थियरी, स्ट्रक्चरलिस्ट, कॉन्फ्लिक्ट, पोस्ट मॉडर्न. तो सिर्फ थिंकर्स को पढ़ने से नहीं होगा, उन पर्सपेक्टिव्स को भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. यू पीपल हैव टू गो थ्रू दोज पर्सपेक्टिव्स एज वेल कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म क्या है, पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है, और ये सारी चीज़ें ट्रस्ट में पीपल सिर्फ विकिपीडिया से हो जाता है. चाहे आप लोग मेरी बात मानो ना पानो, अगर ये थोड़ा इंट्रोडक्शन अगर आप लोगों को जानना है यू कैन जस्ट रिलाई ऑन विकिपीडिया. विकिपीडिया के लिए ये जो सिंपल ऑनलाइन सोर्सेज है ना, ओनली फॉर योर नॉलेज इज इनफ. ओके, यू डू नॉट हैव टू रीड. अगर आपके पास किताब नहीं है, आपको नहीं समझ में आ रहा है किताबों में क्या लिखा है, जस्ट रेफर टू दी विकिपीडिया वीडियोज, विकिपीडिया वेबसाइट्स फॉर बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है, एंड दोज आर इनफ.
उसके बाद आते हैं थ्री क्लासिकल थिंकर्स. थ्री क्लासिकल थिंकर्स में कौन कौन है हमारे? मार्क्स, वेबर, डर्कहाइम. इन दोनों के लिए आप लोग जॉर्ज रिट्जर का, मैं यहाँ पे 10th एडिशन की बात कर रही हूँ, ठीक है. और रिसेंटली मैंने अपने टेलीग्राम पे आप लोगों को दिया है ये किताब. मैं यहाँ पर लिख देती हूँ मेरे टेलीग्राम अकाउंट को, @AntaraChak. सारे जो अवेलेबल है मटेरियल्स आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड इन दिस, सो प्लीज़ गो देयर एंड सी. और यहाँ पर मैंने मेंशन की है कि जॉर्ज रिट्जर का मैं 10th एडिशन की बात कर रही हूँ, और जो हमारा नितिन सांगवान है इट्स जस्ट वन वर्जन. बट प्लीज़ रिमेंबर पीपल, दिस नितिन सांगवान इज़ फॉर UPSC, ओके. ये किताब UPSC के लिए है, सो आपको पूरे डिटेल्स में नहीं जाना है. यू डू नॉट हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ द बुक. सिर्फ जो नेट के लिए इंपॉर्टेंट है, जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, बस उन्हीं को देखने हैं. ज़्यादा डिटेल में जाके एक्स्ट्रा चीज़ें आपको नहीं देखने हैं इस किताब से, ओके. उसके बाद आते हैं हम लोग, इन तीनों के लिए आप लोग ये दो रेफर कर सकते हो, जॉर्ज रिट्जर का पार्ट 1, नितिन सांगवान का चैप्टर 4, ओके. इसमें सारे अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हो. इन दोनों में आपको ये ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगी, बहुत अच्छे से कवर्ड है. और बाकी जो बुक्स की बात मैंने की थी, अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड दिस टू माई स्टूडेंट्स. लेकिन अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो फिर बुक्स के लिए आप लोग सिंपल विकिपीडिया के उनके जो पेजेस होते हैं, मान लो मार्क्स का जो विकिपीडिया पेज होगा उसके नीचे उनके सारे बुक्स के लिस्ट होते हैं, तो वो आप देख सकते हो. नेक्स्ट आते हैं हम लोग इन थिंकर्स पे, जो किताबों में अवेलेबल है. उनमें से अवेलेबल वालों में से कौन है? जॉर्ज हर्बर्ट मीड, टैलकट पार्सन्स, रॉबर्ट के मार्टिन. इन तीनों को चैप्टर 4 नितिन सांगवान में कंप्लीट डिटेल में इन लोगों ने कवर की है, ओके. सो दे हैव कवर्ड ऑल दीज थिंग्स इन चैप्टर 4 नितिन सांगवान. उसके बाद आते हैं जॉर्ज हर्बर्ट मीड और एडविन गॉफमैन. इन दोनों को भी बहुत अच्छे से कवर किया गया है, चैप्टर 6 और 9, जॉर्ज रिट्जर. फिर से आई एम रिपीटिंग पीपल, पूरा किताब नहीं पढ़ना है. डू नॉट रीड द होल बुक. पूरा किताब नहीं पढ़ना है, ओनली द मेन पॉइंट्स. सिर्फ मेन पॉइंट्स पे फोकस करना है, पूरा किताब आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ओके. उसके बाद आते हैं गार्डफिनकल. गार्डफिनकल का नाम देखते ही आपको एथनो मेथोडोलॉजी के बारे में, यू पीपल हैव टू नो एवरीथिंग. सो गार्डफिनकल को चैप्टर 10 में एज अ चैप्टर ऑफ एथनो मेथोडोलॉजी के लिए जॉर्ज रिट्जर में चैप्टर 10 में बहुत अच्छे से कवर किया गया है. एंड इफ़ यू पीपल सी द PYQs, अगर आप लोग देखें कि नेट में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस जॉर्ज रिट्जर से डायरेक्टली वो लोग पूछते हैं, डायरेक्टली वो लोग जॉर्ज रिट्जर से क्वेश्चन उठा के देते हैं. तो जो एथनो मेथोडोलॉजी का पार्ट है या फिर गार्डफिनकल का पार्ट है, वो आप जॉर्ज रिट्जर पर डिपेंड कर सकते हो, ओके. उसके बाद आते हैं फूको. फूको के लिए आप लोग चैप्टर 17 देखना, जॉर्ज रिट्जर का, जहां पर पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म लिखा है. पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म बोल के एक चैप्टर है, उसमें फूको जो है, फूको का टॉपिक काफी अच्छे से कवर किया गया है, ओके. सो दीज आर सर्टेन थिंकर्स जो डायरेक्टली आपको मिल रहे हैं मटेरियल्स. नाउ लेट्स कम टू द अदर पार्ट. काफ़ी सारे ऐसे थिंकर्स हैं जो अवेलेबल नहीं हैं डायरेक्टली ऑन नेट, ओके, या फिर कोई किताब में, तो उनका क्या करें. फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट एल्फ्रेड शूल्स या फिर कार्ल मैनहाइम एट्सेट्रा. तो इनके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, देर आर सर्टेन वेबसाइट्स जो मैं आपको एंड के तरफ बताऊंगी, बट फिलहाल आप लोग ये देख लीजिए कि जो आपके पास अवेलेबल है डायरेक्टली. ये सारे चीज़ें किताबों में आप पेज ढूंढो, मैंने चैप्टर्स भी लिख दी है, यू पीपल जस्ट हैव टू ओपन एंड रीड देम, ओके. द वंस विच आर नॉट देयर, डोंट वरी, मैं आपको उनके बारे में भी बताने वाली हूँ. अभी आते हैं घोड़े. अब देसाई इज नॉट इन मेन थिंकर, लेकिन देसाई इज इम्पॉर्टेंट. देसाई के काफ़ी सारे थियोरीज हैं हमारे, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल रूरल सोशोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल नेशनलिस्ट थियोरीज, तो उनके लिए हमें घोड़े, देसाई बहुत इंपॉर्टेंट है. सो घोड़े, देसाई और श्रीनिवास को काफ़ी डिटेल में कवर किया गया है चैप्टर 11 और 14 में नितिन सांगवान के. इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर्ड हैं, फॉर एग्जाम्पल देयर थियरीज ऑन रूरल इंडिया. तो ये वीडियो आप लोग देख सकते हो, ये चैप्टर आप लोग पढ़ सकते हो फ्रॉम नितिन सांगवान. उसके बाद आते हैं योगेंद्र सिंह. योगेंद्र सिंह इज नॉट डायरेक्टली गिवन इन द सिलेबस,
लेकिन योगेंद्र सिंह को हम लोग कहां पढ़ते हैं, सोशल चेंज इन इंडिया। इंडिया में जो सोशल चेंज हुआ है उस पे हम लोग नितिन सांगवान को कवर करते हैं, सो प्लीज हैव अ लुक एट दैट। उसके बाद आते हैं यूनिट फोर, हमारे सिलेबस का जो यूनिट फोर है रूरल एंड अर्बन स्टडीज। रूरल एंड अर्बन स्टडीज का जो थियरी पार्ट है इट इज कवर्ड इन चैप्टर 13, 20 एंड 21, ये सारे सांगवान है, ठीक है। चैप्टर 13, 20, 21 ऑफ नितिन सांगवान रूरल एंड अर्बन स्टडीज को काफी अच्छे से कवर किया गया है, स्पेशली द थियरी पार्ट, जो थियरी है कि विलेज क्या है, रूरल के थियरीज क्या है, अर्बन के थियरीज क्या है, ये सारे कवर्ड है इसमें। ओके, नाउ लेट्स कम टू गांधी एंड अम्बेडकर। गांधी और अम्बेडकर को भी चैप्टर 14 कास्ट, कि उनके कास्ट पे क्या व्यूज है, ये भी सांगवान में बहुत अच्छे से कवर्ड है। नाउ यू पीपल हैव टू रिमेम्बर कि और एक किताब है जो मैंने आपको बिगिनिंग में मेंशन की थी, जो है बीके नागला। यस, बीके नागला में काफी सारे इंडियन सोशियोलॉजिकल थॉट कवर्ड है, काफी सारे थिंकर्स आपको बीके नागला में ऑलरेडी कवर्ड मिलेगी। सो इफ यू पीपल हैव द हार्ड कॉपी वेल एंड गुड, बट इसके कुछ पेजेस ऑनलाइन अवेलेबल हैं। सो ऑनलाइन जो भी पेजेस अवेलेबल हैं मैं उसको टेलीग्राम कर दूंगी आप लोगों को, आप लोग देख सकते हो उसमें ये सारे जो हमारे घूड़े जैसे लोग हैं वो सारे कवर्ड है। घूड़े, श्रीनिवास, राधा कमल मुखर्जी, दीज आर ऑल कवर्ड इन द बीके नागला बुक। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी। काफी मेरे पास क्वेश्चंस बुक आती है कि मैम रिसर्च मेथोडोलॉजी कहां से पढ़े। ट्रस्ट मी पीपल, रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए कुछ उतना डिफिकल्ट तीर नहीं मारना है आप लोगों को। आपको सिर्फ नितिन सांगवान का चैप्टर 3 देखना है, ठीक है। इग्नू का जो एमए के जो कोर्सेज है, मैंने दी थी आप लोगों को रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसका फुल पार्ट आपको पढ़ना है रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला। जो भी इग्नू के एमए में रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो यूनिट है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को टेलीग्राम में दी हुई है, इट इज ऑलरेडी गिवन ऑन द टेलीग्राम चैनल। प्लीज उसको अगर अच्छे से पढ़ोगे ना, ऑल द थियरी पार्ट कम्स फ्रॉम हियर। अगर क्वेश्चंस आप लोग देखोगे जैसे कि कांट, डिल्थी, इनसे जो भी क्वेश्चंस आती हैं ऑल कम फ्रॉम द इग्नू पार्ट। तो मैं सोच रही हूँ कि रिसेंटली अभी अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस शुरू होने वाली है मेरी, काफ़ी रेगुलर और वो फ्री होती है, तो वहाँ पर मैं सोच रही हूँ कि इग्नू के जो मटेरियल्स हैं उनके छोटे छोटे समरीज बना के मैं आपको पढ़ाऊँ, सो दैट आपको पूरा इग्नू मटेरियल नहीं पढ़ना होगा। सो डू लेट मी नो आप लोगों को क्या लगता है इस आइडिया के बारे में, बिकॉज आई नो कि इग्नू खोलते ही आप लोगों को लगता है कि ये तो बहुत है, क्या पढ़े ना पढ़े। सो वो लोग आप वो चीज़ आप मुझ पर छोड़ सकते हो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इग्नू मटेरियल से आई विल प्रोवाइड यू। तो मेरे स्पेशल क्लासेस नए लॉन्च होने वाले हैं, आई थिंक 9 बजे डेली होगी क्लास, और जैसे कि आपको पता है कि स्पेशल क्लासेस फ्री होती है। ओके, स्पेशल क्लासेस आर फ्री, सो ऑल ऑफ यू कैन एक्सेस। ये अनअकैडमी प्लस का सिर्फ नहीं है, सब लोग वो अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस में आ सकते हो। सो प्लीज़ कम अटेंड दोज क्लासेस, और वहाँ पर मैं इग्नू के कुछ समरी सेशंस करवाऊँगी, वहाँ पर आप लोग आ जाना, ठीक है। नाउ स्टैटिस्टिक्स को लेके आप लोग बहुत डरते हैं, बट मैंने स्टैटिस्टिक्स को स्पेशल क्लास मतलब फ्री अनअकैडमी पे मैंने 2 क्लासेस में स्टैटिस्टिक्स कवर की है। आई हैव कवर्ड कंप्लीट स्टैटिस्टिक्स इन दीज क्लासेस। ओके, ऑल राइट, आर्येंद्र कौन सा पूछ रहे हो आप प्लस में, आर यू आस्किंग फॉर इग्नू? नो, इग्नू आई विल बी कवरिंग इन अनअकैडमी फ्री स्पेशल क्लासेस। जो स्पेशल क्लासेस होती है दीज आर नथिंग बट फ्री क्लासेस, एवरीथिंग इज जस्ट लाइक प्लस, लेकिन वो फ्री होती है, उसको सब लोग एक्सेस कर सकते हो। ओके, ऑल राइट, यस जुबेर, अभी तक शुरू नहीं हुआ है वो सेशंस, अभी शुरू होने वाले हैं, जब भी शुरू होगा मैं आपको टेलीग्राम में बता दूंगी, आप लोग आ जाना टाइम पे। और इसका ये एक एडवांटेज होता है कि आपको लाइव नहीं भी आना है, अगर आप लोग चाहे वीडियोस आप लोग मेरे प्रोफाइल में जाके बाद में भी देख सकते हो। ओके, सो जस्ट कीप लेटिंग मी नो कि आपके रिक्वेस्ट क्या है। ऑब्वियसली मैं सारे रिक्वेस्ट फुलफिल नहीं कर सकती, बिकॉज जो फुल सिलेबस है वो तो सिर्फ अनअकैडमी प्लस में ही है, पर जैसे कि ये सारे चीज़ें या MCQ सेशंस ये तो मैं करवा ही सकती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग बताइए। ओके, रानी पूछ रही हिंदी में होगी क्या क्लासेस। रानी,
मैं हिंदी तो बोल लेती हूँ बट मैं पढ़ा नहीं सकती हिंदी में, ओके मैं समझा सकती हूँ आपको हिंदी में बट मेरे नोट्स इंग्लिश में होती है, ओके बिकॉज मुझे सोशियोलॉजी के जो प्रॉपर टर्म्स होती है हिंदी में वो मुझे नहीं आते. सो आप लोग ज़रूर क्लास में आ सकते हो बिकॉज मेरे काफ़ी सारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं एंड दे डू अंडरस्टैंड, मैं जो भी समझाती हूँ बहुत अच्छे से समझते हैं. ओके सो स्टैटिस्टिक्स के लिए अगर मेरे दो क्लासेस आप लोग देखेंगे उसमें स्टैटिस्टिक्स के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट है सब कवर किया है मैंने, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं क्वेश्चंस. उसके अलावा एज यू पीपल नो मैं ऑलरेडी 1000 एमसीक्यू सीरीज शुरू कर चुकी हूँ, तो और भी क्लासेस आएंगे वहाँ पे आप लोग ज़रूर आइएगा, एमसीक्यूज वहाँ से हम लोग कवर करेंगे. तो ये हो गया हमारा रिसर्च मेथोडोलॉजी. इसके अलावा देखिए मार्केट में बहुत सारे किताब है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि रिसर्च मेथोडोलॉजी सिर्फ इससे पढ़ने से हो जाएगा, बट राइट नाउ आपके पास टाइम नहीं है. सो आप लोग ज़्यादा इधर उधर मत ढूंढो, अगर आपको लगता है कि ये आसान लग रहा है जस्ट गो थ्रू दैट. ओके उसके बाद सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का जो टॉपिक है जैसे कि कास्ट एक मिनट, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का जो टॉपिक है जैसे कि कास्ट ट्राइब रेस ऑल दीज थिंग्स आर कवर्ड इन चैप्टर 5 ऑफ सांगवान. सांगवान के चैप्टर 5 में जाओ सारे अवेलेबल है. उसके अलावा सोशल चेंज के जितने थियोरीज है, लीनियर थियोरीज साइक्लिकल थियोरीज, ये सारे चीज़ें कवर्ड है चैप्टर 10 19 और 18. आज मेरे स्लाइड्स मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, खुद ब खुद बदल जा रहा है. ओके सो 10 19 18 में नितिन सांगवान पूरा आपको ये सारे सोशल चेंज के जो थियोरीज हैं वो सारे मिल जाएंगे. बट अगेन अनादर टिप, आपको पूरा नितिन सांगवान का चैप्टर नहीं पढ़ना है, बस आप देखते ही समझ जाओगे कि कौन कौन सी चीज़ें नेट में आई हैं या फिर आने के मोर चांसेस हैं. इट्स नॉट नेसेसरी कि सारे आपको पढ़ने हैं. उसके अलावा और भी जितने टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थियोरीज है कि कहाँ कहाँ क्या कॉन्फ्लिक्ट हुई है, वायलेंस एट्सेट्रा, ये चैप्टर 25 और ये सारे सांगवान की बात कर रही हूँ मैं. ओके ऑल राइट यस आदिल इज सेइंग मटेरियल्स, आदिल व्हाट कैन आई डू, ऑल माय मटेरियल्स आर अंडर अनअकैडमी. सो आप अनअकैडमी से पूछ सकते हो सॉल्यूशन क्या है, बट राइट नाउ काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैव ज्वाइंड अनअकैडमी प्लस हु आर फ्रॉम कश्मीर, सो आप भी ट्राई कर सकते हैं. ओके यस मदन इज सेइंग मेरे पास रिजल्ट की 5th एडिशन. मदन मैंने रिसेंटली टेलीग्राम पे दो जो 10th एडिशन निकली है वो मैंने डाला है. अगर आप लोगों ने नहीं डाउनलोड की है प्लीज़ करो. आई थिंक मैंने कल ही डाला है 10th एडिशन, वो सबसे लेटेस्ट है, उसमें बहुत सारे नए चीज़ें एडेड है. सो प्लीज़ उसको आप लोग देखो. ओके और अगर आप लोगों को स्पेसिफिक कोई नहीं समझ में आ रही है, मान लो बिकॉज रिजल्ट काफ़ी डिफिकल्ट इंग्लिश में लिखते हैं, सो मान लीजिए आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई, टेल मी, मैं उस चैप्टर को समराइज करके आपको समझा दूंगी. सो प्लीज़ मेरे अनअकैडमी स्पेशल क्लासेस को, स्पेशली दो स्टूडेंट्स जो फ्री के प्लेटफॉर्म के हैं या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हो, एटलीस्ट स्पेशल क्लासेस देख लिया करो. इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ आप लोगों से. यूनिट 5 जो है हमारा दैट इज स्टेट पॉलिटिक्स डेवलपमेंट, उसमें चैप्टर 7 जो है सांगवान, उसमें काफ़ी सारे थियोरीज कवर्ड है कि नेशन क्या है, स्टेट क्या है, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने नेशन स्टेट के बारे में पढ़ाया है. इनफैक्ट मैंने भी मेरे प्लस स्टूडेंट्स को पढ़ाने वक्त मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ से ली है, तो आप लोग भी देख सकते हो. ओके ऑलरेडी डाउनलोडेड. ओके ऑल राइट अपडेट सेक्शन में है और मैंने टेलीग्राम में भी दिया है और अपडेट सेक्शन पे फिर से दे दूंगी. अभी मैं बाहर हूँ एज यू पीपल नो, पूरा दिन मुझे आपके लिए वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं तो मुझे एग्जैक्टली टाइम नहीं मिल रहा है, बट कल मैं जा रही हूँ लौट के, तो कल से आई विल बी रेगुलर टू माय स्टूडेंट्स, जो भी आपके क्वेरीज हैं क्वेश्चंस हैं मैं कल से फिर से आंसर कर पाऊंगी आप लोगों को. ओके ओके उसके बाद रानी पूछ रहे हैं आप सिर्फ अनअकैडमी प्लस का सब्सक्राइब कर लो और मेरे क्लासेस आपको मिल सकते हैं. ट्राइब्स के बारे में मैं दो स्पेशल क्लास लाऊंगी इसी महीने और उस पर मैं सारा कुछ पढ़ाऊंगी आपको, ट्राइब्स और स्पेशल क्लासेस मतलब फ्री क्लासेस सब लोग अटेंड कर सकते हो, तो ट्राइब्स वाला क्लास प्लीज़ आ जाना. उसके अलावा चैप्टर 15 फ्रॉम नितिन सांगवान वो भी आप लोग देख सकते हो. सोशल मूवमेंट्स के लिए आप लोग चैप्टर 23 देख सकते हो. उसके अलावा सोशल मूवमेंट्स जो टॉपिक है वो बहुत ईजिली अवेलेबल भी होती है इंटरनेट में, आप लोग इंटरनेट से भी देख सकते हो. ओके उसके बाद आते हैं इकोनॉमी और सोसाइटी. इकोनॉमी और सोसाइटी का जो थियरी पार्ट है, थियरी पार्ट आप लोग चैप्टर 10 11 जॉर्ज रिट्जर, उसमें काफ़ी सारे थियरीज ऑफ डेवलपमेंट, थियरीज ऑफ इकोनॉमी सोसाइटी, ये सारे कवर्ड है.
ग्लोबलाइजेशन के लिए पूरा का पूरा 16 चैप्टर, चैप्टर 16 फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन जॉर्ज रिट्जर, ओके। उसके बाद चैप्टर 6 फ्रॉम इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी सांगवान। इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी के जितने भी थियोरीज है, कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑल आर कवर्ड इन सांगवान के चैप्टर 6, ओके। और आपको देखने से ही पता चलेगा कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से नहीं। उसके बाद हम लोग देखते हैं फेमिनिज्म। फेमिनिज्म पे जॉर्ज रिट्जर ने चैप्टर 12 में बहुत अच्छे से कंपाइल की है, आप लोग देख सकते हो, ओके। थियरीज ऑफ फैमिली किनशिप, फैमिली किनशिप इज मिक्स्ड। आई थिंक मेरे स्लाइड्स को भी कोरोना वायरस हो गया है, ऐसे भागे जा रहा है, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट यस, पर मजाक नहीं है, आप लोग प्लीज ध्यान रखिए, बिकॉज अभी मैं बैंगलुरु में हूँ और यहाँ पे भी बहुत लोगों को हो रहा है, तो आप लोग भी प्लीज अपना ध्यान रखो, ओके। एंड फेमिनिज्म आपको चैप्टर 12 देखना है जॉर्ज रिट्जर, उसके बाद थियरीज ऑफ फैमिली किनशिप के लिए सांगवान चैप्टर 9, 17, और राम आहूजा का सोसाइटी इन इंडिया। राम आहूजा का सोसाइटी इन इंडिया में काफी सारी चीजें एक्सप्लेन है, ओके। ओके, यस, सो आई लेट मी जस्ट लीव इट फॉर 1 मिनट, ये अपने आप से बदल ले, फिर मैं जाती हूँ। हाँ, आई थिंक ये अपने आप से हो गया, इसने बदल लिया। अभी लास्ट के दो चीजें देख लेते हैं। यूनिट 10, जितने भी कॉन्सेप्ट्स है रिलीजन के, उसके लिए आपको चैप्टर 8 NRM, मतलब न्यू रिलीजियस मूवमेंट, के लिए चैप्टर 7 सांगवान, और बाकी आप ट्रूमैन से देख सकते हो, ओके। नाउ लेट्स गिव यू अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, दैट इज कि जो बाकी रह गए हैं टॉपिक उनको कहाँ से देखें। मैंने इन तीन वेबसाइट्स के लिए मैंने पहले भी आप लोगों से बोला था, फिर से देखो, सोशियोलॉजी गाइड बोल के एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, उसको आप लोग जरूर देखना। सोशियोलॉजी डिस्कशन, कोई भी टॉपिक सर्च करके उसमें सोशियोलॉजी डिस्कशन बिना स्पेस के आपको टाइप करना है, उसके बाद योर आर्टिकल लाइब्रेरी, ओके। यस यस मदन, जो लोग मेरे चीजें फॉलो कर रहे हैं आपको नहीं करना है एक्स्ट्रा स्टडी, दिस इज ओनली फॉर दोज पीपल जिन लोगों के पास नहीं है प्लस, या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, या फिर कश्मीर से हैं, कुछ भी जो प्रॉब्लम है, दिस इज मोस्टली फ्रॉम देम। यस, हैंग हो गया है, यस आई थिंक मैं वही कह रही हूँ कि इसको भी शायद कोरोना हो गया है। और मेरे जो भी अनअकैडमी प्लस क्लासेस है, जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं, वेरी वेल एंड गुड, अदरवाइज स्पेशल क्लासेस फ्री होती हैं, प्लीज उन्हें देखना। यूट्यूब अनअकैडमी क्लासेस जैसे कि अभी हो रही है, फ्यूचर में और भी क्लासेस होंगी, उनको आप लोग देखिए, और ये सारे फ्री है। बस अनअकैडमी प्लस जो फुल सिलेबस वाला है वो फ्री नहीं है, उसके लिए आप लोग 3 महीने का नॉमिनल प्राइस दे ही सकते हैं, हम लोग कहीं पे भी पैसे उड़ाते हैं, ओके। सो आई थिंक यू कैन स्पेंड लाइक 4000 इन दिस, जिसमें आपको पेपर 1 पेपर 2 सारे मिलेंगे। उसके बाद इग्नू मटेरियल में आपको सारे चीजें नहीं पढ़ने हैं, बस डेफिनेशन की कॉन्सेप्ट्स, डिटेल में नहीं जाना है, ओके। यस, सो दीज आर एवरीथिंग, बाकी जैसे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, ये बहुत आसान हमारे यूनिट्स है, आप डायरेक्ट नेट से ले सकते हो, जैसे कि साइंस टेक्नोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स है, वर्चुअल कम्युनिटी या फिर साइंस टेक्नोलॉजी पॉलिसी, ये सारे नेट में अवेलेबल है, तो एक दिन बैठ के सारा आप लोग ढूंढो अपने से, ओके। यस, सो दिस इज माय फुल कोर्स फॉर अनअकैडमी प्लस, ये सारे पांचों कोर्स पे मैं खत्म करने वाली हूँ, तो जो लोग सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अभी भी ले सकते हो, प्लीज लो, NTA UGC नेट का ही लेना, CSIR का नहीं लेना। और ये रहा मेरा कोड अंतरा लाइव, बस अंतरा लाइव टाइप करना है, आपको 10% की छूट मिलेगी, एंड प्लीज प्लीज यूज दिस कोड, बिकॉज मुझे फिर एक पता चलता है कितने स्टूडेंट्स मेरे क्लासेस देखते हैं, ओके। सो यस, आई थिंक ये खुद से ही मेरा स्लाइड हैज सेट किया, अभी खत्म भी करो, ओके, ऑल राइट। सो थैंक यू सो मच, आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास, आई होप ये क्लास आपको हेल्प की है। सो जिन लोगों ने मिस की है, प्लीज वॉच इट अगेन, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन लेट मी नो, एंड फॉलो मी ऑन माई टेलीग्राम फॉर ऑल दी PDFs, जो भी मैं स्पेशल क्लासेस लेती हूँ उसके सारे PDFs आपको टेलीग्राम में ही मिलते हैं, ओके, ऑल राइट, थैंक यू सो मच देन। यस भारती, सारे आप देख सकते हो, ओके, ऑल राइट, ओके, नो इश्यूज, जो लोग भी आना चाहते हो आ जाओ, नहीं तो स्पेशल क्लासेस तो होंगे ही,
ओके ऑल राइट, थैंक यू सो मच, बाय. यस, मेड इन चाइना हो सकता है. ओके ऑल राइट, बाय देन.